दो महीने में उठ जाएंगे। मैंने भी उन लोगों को कहा कि आप गलतफहमी में हो, ये उठने वाले नहीं है, ये तो अब तो 6 महीने बैठे हैं, 6 साल भी बैठना पड़ा, 60 साल भी बैठना पड़ा, अपने हकों की लड़ाई ये लड़ते रहेंगे। किसान आंदोलन हुआ, 13 महीने किसान डटे रहे और पंजाब का जब किसान उठ के अमृतसर से और उधर गुरदासपुर से उठ के जब दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचा तो हरियाणा के किसान ने भी ये सोचा कि मेरा पंजाब का बड़ा भाई आया है, मैं भी उसी तरीके से इसके साथ जुट के काम करूं। और उसकी समस्या का 13 महीने तक कोई समाधान नहीं निकला, किसान वहां जमा रहा। बहुत से लोग ये कहते थे कि महीने में उठ जाएंगे, 2 महीने में उठ जाएंगे। मैंने भी उन लोगों को कहा कि आप गलतफहमी में हो, ये उठने वाले नहीं है, ये तो अब तो 6 महीने बैठे हैं, 6 साल भी बैठना पड़ा, 60 साल भी बैठना पड़ा, अपने हकों की लड़ाई ये लड़ते रहेंगे। और यही कारण है कि आज सबसे बड़ी बात हमारे सामने ये है कि हम खेती को ऐसा बना दें जिसको हम ये कहें कि हमने इसमें कमाई। लड़ने के लिए बहुत से किसान यूनियन ये कहती हैं कि हम तो नॉन पॉलिटिकल है, हमारा राजनीतिक कोई लेना देना नहीं। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ोगे तो कोई कुछ नहीं देगा। थोड़े थोड़े लोग हैं जिनकी थोड़ी आबादी है, वो आप पे बैठ के राज करें और आप लड़ाई लड़ो सड़कों पे। आपने कभी ये सोचा है कि आप अपनी ताकत से इकट्ठा होकर दूसरों को साथ मिला के जिनसे आप फैसले करवाते हो, एक समय ऐसा आ सकता है आपकी एकता से कि वो फैसले आप खुद करोगे कि हमें क्या करना है। ये है जरूरत इन बातों की। इसलिए नई सामाजिक दृष्टि से हमारे को ये फैसले करने पड़ेंगे। और एक और बात मैं कहता हूं, पंजाब का तो जो किसान है पिछले कम से कम 80-90 साल से विदेशों में जा रहा है, उनकी तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी वहां है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान में से अब बहुत बड़ी संख्या में नौजवान बच्चे भी बाहर विदेशों में जाने के लिए बैठे जा रहे हैं। और जैसे यहाँ कहा भी गया 50-50, 60-60 लाख रुपया उनका बर्बाद होता है और पता नहीं किस तरीके से वहां पहुंचते हैं नहीं पहुंचते। जैसे आप किसानों की लड़ाई लड़ते हो, खेती की लड़ाई लड़ते हो, आज वक्त ये आ गया कि हमारा बेटा हमारी बेटी कोई विदेश में जाए, चाहे रोजगार के लिए जाए चाहे पढ़ाई के लिए जाए, सरकार उसकी व्यवस्था ऐसी करे कि उससे एक पैसे की भी ठगी कोई करने वाला ना हो, तब हम कहेंगे कि हमने अपने विचारों की अभिव्यक्ति सिर्फ खेती में नहीं, हमने अपने नौजवान बच्चों के लिए भी की है।